सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो .com को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी भर्ती देखो .com में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट 2020। सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग सुनहरा मौका लेके आ गया है। जी हाँ, इंडियन पोस्ट नॉर्थ ईस्ट ग्रामीण डाक सेवा GDS के पदों पर भर्तियां के लिए नोटिस जारी किया गया है। इंडियन पोस्ट नॉर्थ ईस्ट GDS भर्ती 2020 के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के अभियान के तहत ग्रामीण डाक सेवक कुल 948 पदों पर भरा जाना है। ब्रांच पोस्टमास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर ABPM और डाक सेवक के पदों के लिए कुल वैकेंसी 948 के लिए यहां नोटिस जारी किया गया है। उम्मीदवार इस आर्टिकल पत्रिका के चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया जैसे विवरण की जांच कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट पोस्ट ऑफिस GDS महत्वपूर्ण तिथियां, रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2020 है। तो दोस्तों, देरी ना करें, जल्दी से जाइए पोस्ट ऑफिस की ऑनलाइन वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जल्दी से इस फॉर्म को फिल करिए। EWUS 92 पद, OBC 35, PWD 2, PWD B 4, PWD C 5 पोस्ट, साथ साथ PWD के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 100 पोस्ट है, SC के लिए 349 पोस्ट है, और UR के लिए 307 पोस्टों पे निकली हुई हैं वैकेंसियां। तो दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट जल्दी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन पोस्ट GDS सैलरी, दोस्तों BPM के लिए यहाँ पे 12,000 रुपए सैलरी रखी गई है, साथ साथ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपए और BPM रुपए यहाँ पे देख सकते हैं 14,500, जहां पे आपको TRC स्लैब में 5 घंटे केवल और 2 घंटे के लिए न्यूनतम TRCA, साथ साथ ABPS डाक सेवक के लिए 12,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी रखी गई है। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट पोस्ट ऑफिस GDS पत्रता मापदंड, शैक्षिक योग्यता के लिए गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी और उत्तीर्ण अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। मतलब कि आप 10वीं तो पास होने चाहिए, साथ साथ जो आपको अपनी स्थानीय जो भाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार को कम से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए। उम्मीदवार के पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, बोर्ड, निजी संस्था के संसाधनों द्वारा संचालित किसी भी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्था से कम 60 दिनों की अवधि में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये आप चीज रख लीजिए, अगर आपने कहीं से भी कोई CCC या फिर किसी का भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको इन चीजों की। साथ साथ जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक की आपकी आयु सीमा अनिवार्य है। आइए नॉर्थ ईस्ट पोस्ट ऑफिसर GDS चयन प्रक्रिया। उम्मीदवार के चयन मैट्रिक लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, मतलब जो भी आपके 10th में जो परसेंटेज रही होगी या 12th में जो परसेंटेज रही होगी उसी के मेरिट लिस्ट के आधार पर ये चयन प्रक्रिया की जाने वाली है। तो आपकी अगर परसेंटेज 10th और 12th में अच्छी थी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरिट जाने वाली है वो करीब 98 या 97 पे जाने वाली है। तो आप इन चीजों को भी चेकआउट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं कि मेरी मेरिट के अनुसार अगर आपकी मेरिट 98 या 97 तक बन रही है, 95 तक भी बन रही है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके आप अपना इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म को मेल फीमेल दोनों लोग फिल आउट कर सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।